नमस्ते एवरीवन। तो आज हम जिस आसन की प्रैक्टिस करने वाले हैं उस आसन का नाम है सिंहासन, जिसको कि लायंस रोवर भी बोलते हैं। ये आसन बेस्ट टाइम तो इसको करने का है सुबह, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जब आपके पास टाइम है तब इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस आसन को करने के बहुत से फायदे हैं। सबसे पहले तो ये आपकी जो फेशियल मसल्स हैं उनको बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है, तो हमें अलग से अपने फेशियल मसल्स के लिए एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप रोज़ इसके 4 से 5 राउंड कर लेते हैं। दूसरा, ये हमारी वोकल कॉर्ड के लिए, हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं उनके लिए, हमारे थ्रोट चक्र को ये एक्टिवेट करता है, तो जिसकी वजह से जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी अगर इस आसन की रोज प्रैक्टिस करते हैं तो इस आसन से वो काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। तो इस आसन को करने के लिए आप ज़मीन पे भी कर सकते हैं। अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप अपने बेड पे बैठकर भी इस आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, इस आसन की ही नहीं, इनफैक्ट जो भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आप प्राणायाम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें आपको, सारी जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो मैट पर बैठ कर ही करनी है। आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़मीन में नहीं बैठ सकते, चेयर पर बैठकर कर लीजिए, बेड पर बैठकर कर लीजिए। फ़ायदे आपको उतने ही मिलने वाले हैं जितने आपको मैट पर बैठकर प्राणायाम करने से मिलते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मैट पर बैठकर ही सारे प्राणायाम करने हैं, आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस आसन को करने के लिए, सिंहासन को करने के लिए, मैं पहले उन लोगों के लिए दिखाऊंगी जो लोग अपने नीज बैंड नहीं कर सकते हैं, नी में प्रॉब्लम है, जो बैठ नहीं सकते हैं वज्रासन में, तो वो इस आसन में बैठ के भी इस आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्रॉस लेग्स करके ऐसे सुखासन में बैठ जाएंगे। अब अपने आपने हथेलियों को ऐसे रखना है, आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपकी तरफ फेसिंग होंगी और आप इस पोजिशन में ऐसे आ जाएंगे। सबसे पहले आप सांस लेंगे और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपने अपनी जीभ को पूरा बाहर निकालना है और आपने ऊपर अपनी आईब्रोज के बीच में देखना है। तो देखिए करना कैसे है। सबसे पहले इनहेल करेंगे, धीरे से अपनी जीभ को अंदर की तरफ ले लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। तो ये हमारा हो गया 1 राउंड। ऐसे आपने कम से कम 3 से 4 राउंड करने हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपने दूसरी पोजीशन में बैठ के कैसे करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, जो लोग इस पोजीशन में कर सकते हैं, आपकी जो दोनों पंजे हैं वो जुड़े हुए होंगे, नीज के बीच में आपके ऐसे डिस्टेंस, आपने अपनी हथेलियों को सेम पोजीशन में रखना है, आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपकी तरफ फेसिंग होंगी और आप इस पोजीशन में रहेंगे। तो चलिए आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं एक बार। सबसे पहले सांस लेना है आपने, इनहेल करना है और जब आप सांस छोड़ोगे तो आपने अपनी पूरी जीभ को बाहर की तरफ निकालना है और ऊपर अपनी आईब्रोज के बीच में देखना है। तो चलिए सबसे पहले गहरा लंबा सांस लेंगे, धीरे से अपनी टंग को अंदर ले लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और रिलैक्स कर लेंगे। जब आप ये आसन देख करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी फेशियल मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो गई है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आप इस आसन की जितने अपने कंफर्ट के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 बार प्रैक्टिस आपने